कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि कल से दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जी हां दोस्तों, कैमरा बिल्कुल खाली हो तभी इस वीडियो को देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दिल से बधाई हो। अब आपका जीवन चमकने वाला है, क्योंकि ग्रह गोचर में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। ये बदलाव आपके जीवन में खुशियों की लहर लाने वाला है। आपकी किस्मत का सितारा बुलंद होने वाला है और आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। प्यारे दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब आपके हर सपने पूरे होंगे और आपके भाग्य का ताला खुल जाएगा। आई बात करते हैं ग्रहों के इस अद्भुत खेल की, जो आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। दोस्तों, इस समय शनिदेव, गुरु बृहस्पति और मंगल का ऐसा संयोग बन रहा है जो आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये गोचर आपके लिए वो सौगात लेकर आया है जिसे पाकर आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब जीवन में इतने बड़े बदलाव होते हैं तो कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। इस बदलाव के समय आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है और साथ ही अपने परिवार के साथ थोड़ा समय जरूर बिताएं। अब देखिए दोस्तों, ग्रह गोचर के इस समय में हम आपको कुछ खास उपाय भी बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस शुभ समय का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें छिपी है आपकी खुशियों की चाबी। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और हर राशिफल को ध्यान से तैयार करते हैं, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इस छोटे से सहयोग से हमें बहुत खुशी मिलेगी और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना पाएंगे। और प्यारे दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। ये आपका आशीर्वाद होगा हमारे लिए। और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय मां लक्ष्मी 5 बार लिख दीजिएगा, ताकि हमारी माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन में बरसेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 5 बड़ी खुशखबरियां हैं जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाली हैं। चाहे वो नौकरी में प्रमोशन हो, व्यापार में बड़ा मुनाफा हो या फिर आपके रिश्तों में मिठास, ये गोचर आपको हर जगह सफलता दिलाने वाला है। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम यकीन दिलाते हैं कि इसमें आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की बहार लाने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, इस अनोखे ग्रह गोचर के असर को जानते हैं और साथ ही उन उपायों को भी जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। हम आपके साथ हैं इस यात्रा में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए जय माता दी लिखना न भूलिए। इस यात्रा में हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि आपको हर कदम पर सही दिशा दिखाएंगे। ध्यान रहे, यह समय बहुत खास है और इसे व्यर्थ जाने न दें। अब समय आ गया है कि आप अपनी किस्मत को चमकाएं और अपनी झोली को खुशियों से भरें। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उन सभी खुशियों को गले लगाने के लिए जो आपके जीवन में आ रही हैं। देखते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए यहां कुछ बेहद खास लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, अब हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। आपके जीवन में एक अद्भुत देवी प्रसन्न हो चुकी है, जिनकी कृपा से आपका जीवन अब बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, यह देवी आपकी भक्ति, आपके सच्चे और नेक कर्मों से प्रसन्न हुई है। आपने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, उनकी वजह से ही आज ये दिव्य शक्ति आपकी ओर आकर्षित हुई है। आई बात करते हैं, कौन कौन से अच्छे कर्म आपने किए हैं जिन्होंने देवी को प्रसन्न किया है। दोस्तों, आपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन किया, गरीबों की मदद की और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। आपने अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या बुराई नहीं रखी और हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखी। आपने जब भी किसी को जरूरत थी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आपने अपने कर्मों से यह साबित किया है कि आप सच्चे अर्थों में
धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। यही वजह है कि आज देवी आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में खुशियों की बरसात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि पिछले कुछ समय में यह देवी आपसे नाराज हो गई थी। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवी आपसे रुष्ट हो गई थी। दरअसल कुछ समय पहले आपने अनजाने में कुछ गलतियां कर दी थीं, जिनकी वजह से देवी आपसे नाराज हो गई। आपने शायद अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा या किसी के साथ बुरा व्यवहार कर दिया। यह भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में आलस्य का शिकार हो गए हों और अपने धर्म कर्म को नजरअंदाज कर दिया हो। कभी कभी आपने अपने परिवार और अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया और यह बातें देवी को नागवार गुजरी। इन गलतियों की वजह से ही देवी आपसे दूर हो गई थी और आपके जीवन में कुछ समय के लिए समस्याएं और मुश्किलें आ गई थीं। अब आई बात करते हैं दोस्तों कि आपको आगे कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि देवी की कृपा हमेशा आपके जीवन में बनी रहे। सबसे पहले आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सब कुछ भस्म कर देती है, इसलिए हमेशा शांत और धैर्यवान बने रहें। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या बुरा विचार न रखें, क्योंकि ये भावनाएं देवी को अप्रिय हैं। इसके अलावा आपको आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य जीवन में प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हर रोज अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाएं। अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं, क्योंकि यही आपके अच्छे कर्मों का आधार है। साथ ही अपने जीवन में धर्म कर्म और पूजा पाठ का नियमित पालन करें। अब देखिए दोस्तों, जब आप इन गलतियों से बचेंगे तो देवी की कृपा आपके जीवन में किस तरह की खुशखबरी लाएगी। सबसे पहले आपके जीवन में अचानक से नए अवसरों का द्वार खुलेगा, चाहे वह नौकरी में प्रमोशन हो, व्यापार में बड़ा लाभ हो या फिर व्यक्तिगत जीवन में कोई सुखद समाचार। देवी की कृपा से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपके परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। देवी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्धि का अनुभव करेंगे। आपके शत्रु या विरोधी भी परास्त होंगे और आप हर क्षेत्र में विजयी होंगे। देखिए दोस्तों, यह समय आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। देवी की कृपा से अब आप हर उस खुशी को प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन याद रहे, यह सब कुछ तभी संभव है जब आप अपने जीवन में उन गलतियों से बचेंगे जो पहले आपके जीवन में समस्याएं लेकर आई थीं। इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए जानते हैं आपको क्या करना है। देवी की कृपा को बनाए रखने के लिए रोज सुबह उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करें और देवी का स्मरण करें। अपने दिन की शुरुआत हमेशा सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों से करें। देवी की पूजा में लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, क्योंकि यह देवी को अत्यंत प्रिय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन में सदाचार और सत्य का पालन करें। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उन सभी खुशियों को गले लगाने के लिए जो आपके जीवन में आने वाली है। देवी की कृपा से आपके जीवन में 5 बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो आपको न केवल सुख समृद्धि देंगी बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। इन खुशियों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में सतर्क और सचेत रहना होगा ताकि आप देवी की कृपा का पूरा लाभ उठा सकें। देखिए दोस्तों, जब दिव्य शक्तियां आपके साथ हों तो जीवन में कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं रह सकती। देवी की कृपा से आपके जीवन में हर कठिनाई का समाधान मिलेगा और आप एक सुखद, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे आप इन दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब अंत में हम आपसे यही विनती करते हैं कि हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें और दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह आपका आशीर्वाद होगा हमारे लिए और हम आपसे वादा करते हैं कि हम हमेशा आपकी सेवा में लगे रहेंगे ताकि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन खास उपायों की जिनसे न केवल आपकी बीती हुई गलतियां क्षमा हो जाएंगी
बल्कि आपका भविष्य भी और अधिक उज्ज्वल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन उपायों को जो आपके जीवन में शुभता और समृद्धि लाने के साथ साथ आपकी आत्मा को भी शुद्ध करेंगे। सबसे पहले आपको ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को और भी मजबूत करना होगा। यह भक्ति ही वह शक्ति है जो आपकी सारी कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम है। रोजाना सुबह और शाम को अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उनके चरणों में अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इससे आपके मन का बोझ हल्का होगा और आप नई ऊर्जा से भर जाएंगे। दोस्तों, याद रखें कि भगवान हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार रहते हैं, बस हमें सच्चे मन से अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। आई बात करते हैं दूसरा उपाय जो आपको अपनाना चाहिए। अपने जीवन में दान और सेवा का महत्व समझें। किसी जरूरतमंद की मदद करें, चाहे वह भोजन, वस्त्र या शिक्षा के रूप में हो। ऐसा करने से आपकी आत्मा की शुद्धि होगी और आपके द्वारा की गई भूलों का प्रभाव भी कम हो जाएगा। दान और सेवा के माध्यम से आप अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। अपने घर में नियमित रूप से हवन और पूजा पाठ करवाएं। हवन से आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह उपाय न केवल आपके घर में सुख शांति बनाए रखेगा, बल्कि आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को भी कम करेगा। प्यारे दोस्तों, जीवन में गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने के प्रयास करें। ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब भी आप कोई गलती करें, उसे नकारने की बजाय उसे स्वीकारें और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाएं। दोस्तों, जीवन में कभी भी निराश न हो। ईश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है क्योंकि वह जानते हैं कि हम में अपार क्षमता है। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो याद रखें कि यह बस एक शुरुआत है। भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा और बेहतर योजना बनाई है। बस आपको धैर्य रखना है और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना है। चलते चलते अब एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही है, तो ध्यान रखें कि यह समस्या आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आई है। भगवान कभी भी हमें ऐसी चुनौती नहीं देते जो हम सहन न कर सके। हर चुनौती के पीछे एक बड़ा अवसर छिपा होता है और हमें बस अपनी आंखें खुली रखनी है ताकि हम उस अवसर को पहचान सकें। चलिए अब जानते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, अपने जीवन में हर दिन कुछ समय आत्मनिरीक्षण के लिए निकालें। अपने मन की गहराइयों में झांकें और देखें कि कौन से वे विचार और कर्म हैं जो आपको ईश्वर से दूर ले जा रहे हैं। इन विचारों और कर्मों को त्यागें और अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाएं। अंत में दोस्तों, यह याद रखें कि जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक समय है। समय के साथ हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है और सही मार्ग पर चलना है। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, तो ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में बरसती है और हमारे हर काम में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करें। हम आशा करते हैं कि ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे और लाभकारी वीडियो लाएं। देखिए दोस्तों, जब बात आती है ज्योतिष उपायों की, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनका असर न केवल हमारे घर पर, बल्कि हमारे पूरे जीवन पर भी पड़ता है। आई बात करते हैं कैसे आप अपने जीवन को और अधिक शुभ और समृद्ध बना सकते हैं। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करना चाहिए ताकि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। चलिए जानते हैं आपको क्या करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। यह एक ऐसा उपाय है जो तुरंत सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही जब आप दीपक जलाते हैं,
तो AUM दीप ज्योति पर ब्रह्म मंत्र का जाप करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके जीवन में नए अवसरों का आगमन होता है। अब बात करते हैं घर में तुलसी के पौधे की, जो कि एक अद्वितीय उपाय है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह न केवल घर को पवित्र बनाता है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख शांति भी लाता है। सुबह सुबह तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में अचानक से समृद्धि और शांति आने लगती है। अब चलिए जानते हैं क्या करना है जब बात आती है घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की। हर रोज सुबह और शाम के समय कपूर जलाएं। यह उपाय न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि आपके मन और मस्तिष्क को भी शांति प्रदान करता है। इसके साथ ही AUM नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपका जीवन खुशहाल बनता है। दोस्तों, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी एक अद्वितीय उपाय है। आप सोच रहे होंगे कैसे, चलिए जानते हैं आपको क्या करना है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही AUM शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन को शांत और सुखमय बनाता है। अब आई बात करते हैं घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांधने की। आप देखेंगे कि जब आप मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। यह एक ऐसा उपाय है जो विशेषकर उन घरों के लिए लाभकारी है जहां बार बार विघ्न बाधाएं आती हैं। यह उपाय आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और आपके जीवन को समृद्ध बनाता है। चलिए जानते हैं आपको क्या करना है जब बात आती है अपने मन की शांति और सुरक्षा की। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे न केवल आपका मन शांत रहेगा, बल्कि आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर होंगी। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन भयमुक्त और सुखमय बन जाएगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं घर में समृद्धि की, तो देवी लक्ष्मी की आराधना का महत्व कौन नहीं जानता। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की आराधना करें और उनके चरणों में कमल का फूल अर्पित करें। इससे आपके घर में आर्थिक समृद्धि का वास होगा और जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। इस तरह इन छोटे छोटे ज्योतिष उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि और शांति से भर सकते हैं। तो दोस्तों, आई बात करते हैं कैसे आप इन उपायों को अपने जीवन में उतार सकते हैं और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ग्रह गोचर में बड़ा बदलाव हो चुका है और यह बदलाव आपके जीवन में नई जिंदगी शुरू होने वाली है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो परोपकार और सेवा का काम आपने किया है, उन सभी का फल अब आपको मिलने वाला है। यही कारण है कि यह देवी शक्ति आपसे प्रसन्न है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए हैं जिनसे न केवल आपके परिवार का भला हुआ है, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचा है। आपने जरूरतमंदों की मदद की, ईश्वर की भक्ति की और हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। इन सब के कारण देवी शक्ति ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और अब वह समय आ गया है जब वह आपको अपने आशीर्वाद से नवाजने वाली है। अब चलिए जानते हैं विस्तार से कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और यह ग्रह गोचर का प्रभाव कैसे आपके जीवन को बदलने वाला है। इस समय चंद्रमा और गुरु का विशेष संयोग बन रहा है, जो आपके भाग्य को चमकाने वाला है। यह संयोग इस बात का संकेत है कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है, चाहे वह आपका व्यवसाय हो, नौकरी हो या फिर आपके पारिवारिक रिश्ते। हर जगह आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानने का प्रयास करते हैं कि यह खुशखबरियां कैसे आपके जीवन में आने वाली हैं। सबसे पहले, यदि आप किसी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। आपको कहीं से अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है, कोई पुराना निवेश फलदायी हो सकता है या फिर आपकी आय में वृद्धि हो सकती है।
यह सब देवी शक्ति की कृपा और ग्रह गोचर के प्रभाव से संभव होगा। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई विवाद चल रहा है, चाहे वह कानूनी हो या पारिवारिक, तो उसके भी सुलझने के आसार बन रहे हैं। यह ग्रह गोचर आपके पक्ष में फैसला दिलाने में मदद करेगा और आप उस विवाद से निकलकर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। इस समय का ग्रह गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे, तो अब उसमें भी सुधार होगा। देवी शक्ति की कृपा से आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा और आप पहले से ज्यादा ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे। यह समय है कि आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, यह समय आपके जीवन में न केवल आर्थिक और शारीरिक सुधार का है, बल्कि यह आपके पारिवारिक जीवन में भी शांति और सुख लेकर आने वाला है। जिन रिश्तों में पहले कड़वाहट थी, वहां अब मिठास आएगी। आपके परिवार में आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा और घर का वातावरण शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास से भरा रहेगा। यह सब ग्रह गोचर के उस अद्भुत संयोग के कारण होगा जो इस समय आपके जीवन में बना हुआ है। चलिए अब जानते हैं कि इस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, यह समय जितना शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है। आपको अपने विचारों और कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच या गलत कार्य से बचें, क्योंकि यह देवी शक्ति की कृपा को कमजोर कर सकता है। यह समय है कि आप ईश्वर की भक्ति में लीन रहें और अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें। इसके साथ ही आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखना होगा। किसी के साथ भी कड़वी या आहत करने वाली बातें न करें। याद रखें, आपके शब्दों का प्रभाव इस समय बहुत गहरा हो सकता है, और यदि आप किसी को अनजाने में भी दुख पहुंचाते हैं, तो इसका नकारात्मक असर आपके भाग्य पर पड़ सकता है। इसलिए इस समय में आप प्रेम और सम्मान के साथ सभी के साथ व्यवहार करें। दोस्तों, अब आई बात करते हैं उन खुशखबरियों की जो अगले 24 घंटों में आपके जीवन को रोशन करने वाली हैं। देवी शक्ति की कृपा से आपको अपने कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो अब वह पूरा होगा और आपको उसकी वजह से मान सम्मान मिलेगा। आपके सहयोगियों और वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त होगा, जिससे आपके करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के अवसर बनेंगे। इसके साथ ही यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। ग्रह गोचर का यह संयोग आपकी योजनाओं को साकार करेगा और आप अपने व्यापार में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकेंगे। अब बात करते हैं आपके निजी जीवन की। जिन लोगों के विवाह या प्रेम संबंधों में समस्याएं चल रही थीं, उन्हें अब सुखद समाचार मिल सकता है। देवी शक्ति की कृपा से आपका रिश्ता और मजबूत होगा और आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अंत में दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा, यह समय आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाने वाला है। देवी शक्ति की कृपा से आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और आपका भाग्य चमकेगा। बस आपको अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान देना है और इस समय का पूरा लाभ उठाना है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगले 24 घंटों में देवी शक्ति और ग्रह गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में और कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, देवी शक्ति की प्रसन्नता और ग्रहों के इस अद्भुत संयोग ने आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोल दिए हैं। यह समय आपके जीवन को कई मायनों में बदलने वाला है और आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसका आपने अब तक सपना देखा था। सबसे पहले बात करते हैं आपके सामाजिक जीवन की। इस समय आपको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। आपके मित्र, परिवार और समाज के लोग आपकी सराहना करेंगे और आपके कामों की तारीफ करेंगे। यदि आप किसी सामाजिक कार्य या संस्था से जुड़े हैं, तो इस समय आपकी पहचान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपके कार्यों को देखकर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपके विचारों को मान्यता देंगे। यह सब देवी शक्ति की कृपा से संभव हो रहा है, जो आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहायक है। अब बात करते हैं आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं और सपनों की।
यदि आप लंबे समय से किसी विशिष्ट लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपके सपने साकार होंगे। चाहे वह शिक्षा से जुड़ा कोई बड़ा अवसर हो या फिर विदेश में नौकरी पाने का सपना, अब वह हकीकत में बदल सकता है। ग्रह गोचर और देवी शक्ति की कृपा से आपके सभी प्रयास सफल होंगे और आपको वह सफलता प्राप्त होगी जिसका आपने हमेशा से इंतजार किया था। इसके साथ ही यह समय आपकी आंतरिक शांति और संतुलन को भी बहाल करेगा। यदि आप किसी मानसिक तनाव या चिंता से जूझ रहे थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। आप पहले से ज्यादा सुकून और शांति महसूस करेंगे और आपके मन में एक नया उत्साह और सकारात्मकता का संचार होगा। देवी शक्ति की कृपा से आप अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान पाएंगे और अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकेंगे। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं उन सावधानियों की जिन्हें इस समय ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हमने पहले कहा, यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, लेकिन आपको इस समय में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आप इस समय का पूरा लाभ उठा सकें। सबसे पहले आपको अपने ईगो और अहंकार से बचना होगा। यदि इस समय आप अपने अहंकार को हावी होने देंगे, तो देवी शक्ति की कृपा कमजोर पड़ सकती है। इसलिए विनम्र रहें और हर किसी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आएं। इसके अलावा इस समय आपको अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। ज्यादा लालच या अत्यधिक इच्छाओं को नियंत्रण में रखें। याद रखें, देवी शक्ति की कृपा केवल उन लोगों पर होती है जो अपने कर्मों और इच्छाओं में संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को समझें और संतोष के साथ जीवन को जीने का प्रयास करें। प्यारे दोस्तों, यह समय आपको यह भी सिखाने का है कि कैसे आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यदि पिछले समय में आपने कोई ऐसी गलती की थी जिससे देवी शक्ति आपसे नाराज हो गई थी, तो अब वह समय है जब आपको उन गलतियों से सबक लेना चाहिए और उन्हें दोबारा न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए। याद रखें, देवी शक्ति का आशीर्वाद केवल उन्हें मिलता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। अब बात करते हैं उन अद्भुत खुशखबरियों की जो अगले 24 घंटों में आपके जीवन को रोशन करने वाली हैं। सबसे पहले, यदि आप किसी नई परियोजना की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। ग्रह गोचर के इस संयोग का पूरा लाभ उठाएं और अपने नए कार्य की शुरुआत करें। आपको सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसके साथ ही यदि आप किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर दुविधा में थे, तो अब वह समय आ गया है जब आप सही निर्णय ले सकेंगे। देवी शक्ति की कृपा से आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी, जिससे आप सही और गलत का निर्णय आसानी से कर पाएंगे। यह समय आपके लिए हर दृष्टि से शुभ है, इसलिए इस समय में लिए गए सभी निर्णय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। अंत में दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा, यह समय आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाने वाला है। देवी शक्ति और ग्रहों का यह संयोग आपके जीवन को हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। बस आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। प्यारे दोस्तों, इस समय का पूरा लाभ उठाएं और देवी शक्ति के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाएं। हम आशा करते हैं कि इस जानकारी ने आपको प्रेरित किया होगा और आप इस समय का उपयोग करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। हमारे अगले वीडियो में हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी और उपाय बताएंगे जो आपके जीवन को और भी खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में एक बार फिर हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लें। हम आपके लिए इसी तरह मेहनत करके आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जानकारी और उपाय लाते रहेंगे। आपकी एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बड़ी प्रेरणा बन सकती है। देखिए दोस्तों, अब समय आ गया है जब उलटी गंगा बहने वाली है। आपके जीवन में जिन्होंने आपको तकलीफ दी, जिन्होंने आपको तड़पाया और जिन्होंने आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं की, अब उनकी साजिशों का अंत होने वाला है। यह वह समय है जब उनके द्वारा किए गए हर बुरे कर्म का फल उन्हें मिलने वाला है। शनिदेव की कृपा से अब आपके दुश्मनों के जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसे वह कभी संभाल नहीं पाएंगे। प्यारे दोस्तों, जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं,
जब कोई दुश्मन आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो यह बात हमेशा याद रखिए कि भगवान कभी न कभी उस अन्याय का हिसाब जरूर करते हैं। शनिदेव, जिन्हें न्याय के देवता कहा जाता है, वह अपने भक्तों के साथ हमेशा न्याय करते हैं। वह आपके दुश्मनों को उनके बुरे कर्मों का फल जरूर देंगे। और अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों के जीवन में उल्टी गंगा बहेगी। आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ न जाने कितनी योजनाएं बनाई होंगी। उन्होंने आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की होगी। वे अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण आपके जीवन को बर्बाद करने पर तुले रहे होंगे। लेकिन अब शनिदेव का न्याय उन पर टूटने वाला है। जो लोग आपकी उन्नति को रोकने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते थे, अब वही क्रियाएं उल्टी होकर उनके जीवन में तबाही मचाने वाली हैं। शनिदेव, जिन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है, अब आपके दुश्मनों के कर्मों का हिसाब लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शनिदेव का यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि अब वे आपके सभी कष्टों का अंत करने वाले हैं। उन लोगों को शनिदेव से सजा मिलेगी जिन्होंने आपको सताया, जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें रची और जिन्होंने आपके जीवन में जहर घोलने का प्रयास किया। शनिदेव अब उन्हें ऐसा सबक सिखाने वाले हैं जो वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, इस समय आपको शनिदेव की कृपा से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगले 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत बदलाव आने वाले हैं जो आपके दुश्मनों को हिलाकर रख देंगे। आपकी खुशियों का सूरज एक बार फिर से चमकने वाला है और आपके दुश्मनों के जीवन में अंधकार का दौर शुरू होने वाला है। यह सब शनिदेव की न्यायप्रियता और उनके आशीर्वाद का परिणाम है। शनिदेव, जो कर्मों का हिसाब रखते हैं, वह अब आपके दुश्मनों के हर बुरे कर्म का फल उन्हें देने वाले हैं। जो लोग आपकी तरक्की से जलते थे, जो लोग आपकी खुशियों से ईर्ष्या करते थे, अब वे खुद अपने ही बुरे कर्मों में उलझकर रह जाएंगे। देखिए दोस्तों, जीवन में हमेशा यह बात याद रखिए कि ईश्वर और शनिदेव कभी भी अन्याय नहीं होने देते। यदि आपके साथ कोई गलत करता है, तो शनिदेव उसे समय आने पर दंड जरूर देते हैं। आपको बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है और ईश्वर में अपनी आस्था को बनाए रखना है। शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ होता है और वह किसी भी विपत्ति से उन्हें सुरक्षित रखते हैं। अब जब आपके दुश्मनों का अंत होने वाला है, तो आपको इस समय में अपनी ओर से किसी भी नकारात्मकता से बचना होगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। शनिदेव का आशीर्वाद अब आपके जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार लेकर आएगा जिसे देखकर आपके दुश्मन हतप्रभ रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी। शनिदेव की कृपा से अब आपके सारे काम सफल होंगे और आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कामना की थी। आपके दुश्मनों की साजिशें अब उन्हीं पर उलटी पड़ने वाली हैं और आप बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। यह समय आपके लिए बेहद शुभ है, इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाएं और अपने सभी कार्यों को शनिदेव का आशीर्वाद लेकर शुरू करें। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में धन, समृद्धि और शांति का आगमन होगा और जो लोग आपकी खुशियों से जलते थे, उन्हें अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाना होगा। अंत में दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें कि शनिदेव का आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं और अपने कर्मों से डरते नहीं हैं। आपका विश्वास, आपकी निष्ठा और आपका धैर्य ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। शनिदेव की कृपा से आपका जीवन हर तरह से सुखी और समृद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस समय का पूरा लाभ उठाएं और शनिदेव का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करें। आने वाले 24 घंटों में जो भी शुभ समाचार आपको मिले, उसे हृदय से स्वीकार करें और शनिदेव का धन्यवाद करें। जय शनिदेव।